नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के रेलवे कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के आगे। साथियों, ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, ये टेंट उखड़े हुए पड़े हैं। साथियों, यहां पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बाद किस तरीके से बच्चों का भविष्य बनाने वाले अध्यापकों के साथ यहाँ पर ज्यादती होती हुई नजर आ रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई भावना नहीं भड़का रहे, ना ये कोई विरोध कर रहे, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये शांति पूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इनके साथ आखिरकार अत्याचार कब तक हो जाएगा, होता रहेगा, और संविधान की बातें आखिरकार तार तार क्यों की जा रही है? संविधान आखिरकार किसी ने पढ़ा क्यों नहीं? संविधान की को तार तार मत कीजिए, आखिरकार कानून कानून है, कानून के हिसाब से चलिए। जानते हैं, नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम शिवानंद है जी। हाँ जी, और जैसे आज प्रोटेस्ट हमने किया शांतिपूर्ण, जिसमें सभी काफ़ी पेरेंट्स का और जिन बच्चों को ये महसूस हुआ कि हमारा शिक्षक हमसे छीन लिया गया है, वो बच्चे भी मेरे साथ आए खुल के, बढ़ चढ़ के। और इसमें अभी मैं लास्ट में मैं कुछ दो एप्लीकेशंस कंप्लेंट्स डीओ ऑफिस और डीसी साहब के पास देने गया। जब मैं वापस आया तो मेरे स्कूल प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते हुए पुलिस को बुलाया और काफ़ी पुलिस यहाँ आई हुई है और उन्होंने हमें जोर नहीं, मेरे को एक जवाब दीजिए, क्या आप भारत के नागरिक नहीं है? जी बिल्कुल, मैं भारत का ही नागरिक हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण करने का अधिकार रखता हूँ। तो आपके लिए अलग कानून कैसे बन गया, ये मेरे को जवाब दीजिए। ये तो स्कूल प्रशासन जाने कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि मुझे भारत का नागरिक नहीं मान रहे हैं वो, और मुझे प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। भारत का संविधान एक है या दो है? भारत का जी एक ही संविधान है। तो आपके ऊपर अलग क्यों थोपा जा रहा है? वो जवाब तो फादर जो है रेमी वो देंगे इस बात का जवाब कि मेरे पास दो संविधान क्यों मानते हैं वो। अभी मेरी यही गुजारिश है कि देखिए, मैंने अपना पूरा प्रयास किया और ये प्रयास मेरा जारी रहेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की शिक्षा प्रभावित हो। अगर मैं कल धरना रेगुलर करता हूँ कैसे भी, चलो यहाँ मुझे जोर जबरदस्ती से हटाया जा रहा है, लेकिन अगर मैं धरना करता हूं तो बच्चे मेरे साथ आएंगे। लेकिन मेरा बच्चों से एक अनुरोध है कि वो एक बार शांति बनाए रखें, मैं मेरी लड़ाई जारी रखूंगा और स्कूल में जो शिक्षा हो रही है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, अपनी पढ़ाई ख़राब ना करें। मेरी यही बच्चों से विनती है। नहीं, अब जैसे बूंदाबांदी हो रही है, मौसम ख़राब है, रात दिन ऐसे ही चलता रहेगा धरना प्रदर्शन? जी, हमारा प्रयास यही है कि जब तक न्याय ना मिले ये ऐसे ही चलता रहे। और आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, अभी आप बच्चों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उनको धरना प्रदर्शन में लेकर आ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हो, सफाई दीजिए पूरी अपनी। देखिए, जब न्याय न्याय के लिए लड़ाई होती है तो कठिनाइयां तो आती है, और अभी एक भी बयान सुबह से नहीं आया है, इतना हुजूम यहाँ इकट्ठा हुआ, तो अब उन्होंने अपने तर्क देने शुरू कर दिए हैं, एक तरफा तर्क दे रहे हैं, तो वो तो दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं। हालांकि हमारा ये विश्वास है कि हमने किसी बच्चे को आमंत्रण नहीं दिया यहाँ पे, और जिन बच्चों के हमारे पास फ़ोन आए हमने कहा भी पेरेंट्स आने ज़रूरी हैं, आप मत आना, ठीक है। लेकिन बच्चों का प्यार ही इतना है कि वो लगातार आ ही जा रहे हैं और अभी भी आए हुए हैं बच्चे शाम को, तो इसमें कोई ये सरासर झूठ है कि मैंने किसी को कहा। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों का भविष्य बनाने वाले अध्यापक खुद खतरे में नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ 2.5 साल हो गए इनको जॉब करते हुए, लेकिन इसके बाद भी इनको परमानेंट नहीं किया गया, और इसके साथ साथ इनको ऑफर लेटर नहीं दिया गया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, और क्या बात है? बस यही है, एक और है जी, ऊपर से दिल्ली से सर्विस रूल आए थे और वो सब टीचरों को उसकी कॉपी देनी थी, तो इन्होंने जो है पूरे फादर विंसी फादर रेमी ने हॉल में बिठाया सभी टीचर्स को और कहा कि ये रूल्स हैं आपके, बता दिए उनको, और उसमें रूल में ये लिखा हुआ था कि ये कॉपी हर एक को देनी है और फिर उसके बाद रिसीविंग लेनी है। इन्होंने जी वो रूल बस मुँह जुबानी बता दिए और लिए बता दिए और टीचरों से दबाव देके इन्होंने साइन करवा लिया रिसीविंग पे, और ये उस टाइम उन्होंने झूठ बोला कि नीचे फोटोकॉपी हो रहे हैं, लेकिन आज उसको 3 महीने हो गए उस बात को, और उसका विरोध भी मैंने किया, उसका विरोध मेरे दो शिक्षकों ने और भी किया कि ये तो आपने बिल्कुल 420 किया टीचरों के साथ कि आपने रिसीविंग ले ली और अभी तक आप जो है वो दे नहीं रहे हैं, वादा खिलाफी वाला काम कर रहे हैं आप, तो ये भी उनके ऊपर गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूँ। अब बात ये है कि वो शिक्षक धीरे धीरे करके गंभीर आरोप लगाओ, जैसे जैसे दिन निकलेंगे और भी पर्दे खुलते जाएंगे, ये बात है जी, सच्चाई सामने आ जाएगी सबके, एक्चुअल में क्या सिस्टम है यहाँ पे,
और मुझे 3.5 साल हो गए। अब मुझे तो लड़ाई लड़नी है और मेरा हक है, मैं यहाँ आके रहूँगा। ये स्कूल फादर रेमी का नहीं है, ये स्कूल फादर विंसी का नहीं है, ये स्कूल है बच्चों का, ये स्कूल है शिक्षकों का। इन्होंने तो 4-5 साल बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले जाना है। इन कौन जवाबदेही देगा कि जो शिक्षक को तुमने निकाला उससे जो बच्चों का नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? ये जवाब नहीं दे सकते इस चीज़ का। फादर रेमी को यहाँ 5-6 साल हो गए, अब जाते जाते उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनकी सारी अच्छाई जो थी वो अब छिप चुकी है और सच्चाई सामने आ चुकी है। साथियों, सुबह 3 घंटे लगातार हम स्कूल मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार 3 घंटा इंतज़ार करवाया, उसके बाद में उनका स्कूल का कोई पक्ष नहीं आया, लेकिन अध्यापकों का और बच्चों का बार बार पक्ष आ रहा है। तो मेरी स्कूल प्रशासन से अनुरोध और विनती है कि आप भी अपना पक्ष दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।